हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडिया बुल्स हाउसिंग। जी हाँ दोस्तों, कल ये शेयर रॉकेट की रफ्तार की तरह भागने के लिए तैयार है और बहुत ही स्पीड से जिस प्रकार आज ये भागा है, और आज इसकी देख सकते हैं 90 रुपये के लो से और 110 रुपये यानी कि 20 रुपये आज ये भागा है छलांग लगाते हुए, और इसने 2 बार अपर सर्किट तोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, कल फिर से तैयार हो जाइए, शेयर में आपको ब्रेकआउट बताने वाला हूँ। वो ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाता है तो बहुत ही तेज़ रफ्तार से, गोली की रफ्तार से भागने के लिए तैयार है और बहुत स्पीड से भागते हुए दोस्तों टारगेट दिखाने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, अपने बात कर लेते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग के लिए। इसने ये चैनल को ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसके पहले आपको मैं बता दूं, आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक भी स्टॉप लॉस नहीं आया है और धमाकेदार वेरी बिग प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ दोस्तों अगर आपको कॉल की बात करें आपको, तो यहाँ पे आपको जो कॉल गई थी, किसी भी कॉल में कोई स्टॉप लॉस नहीं है टुडे की। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखते हैं टुडे कि आपको जील का मैंने सुबह 9:27 पे दिया था टारगेट, 100% सक्सेसफुल वेरी बिग प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, उसके पश्चात सेकंड कॉल आपको गई थी यस बैंक की, जो कि मैंने आपको बराबर पे इसको एग्जिट करा दी गई है, और देख सकते हो लास्ट भी 24.60 पे यहाँ पे क्लोजिंग इसने दी है। उसके पश्चात मैंने टाटा स्टील की कॉल दी थी 8.281 से, और 289 का सेकंड टारगेट रखा था, तो 292 का इसने टारगेट दिया, गजब का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। उसके पश्चात मैंने मारुति का दिया दोस्तों, और मारुति का क्या कहना, 50 यहाँ पे दिया था और 150 पॉइंट का टारगेट, 5200+ का टारगेट मारुति ने देखा है। बहुत ही धमाकेदार यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। इसके पश्चात दोस्तों मैंने एसबीआई का दिया है 186.50 से, तो एसबीआई में यहाँ पे गजब का प्रॉफिट देखने को मिला, 188 का टारगेट, 190 का टारगेट रखा था, इसने कंप्लीट किया है, गजब का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने टाटा स्टील मारुति जील का टारगेट आपको सक्सेसफुल करा दिया गया था। उसके पश्चात आपको मैंने ये जो एसबीआई और यस बैंक आपको मैंने जो रिजेक्ट कराया था बराबर पर रिजेक्ट करा दिया गया था, देख सकते हैं एसबीआई कॉल रिजेक्टेड बिकॉज बाई प्राइस नो मैच, और यस बैंक की कॉल रिजेक्ट बिकॉज ऑलरेडी आपको जो गाइडलाइंस में 3 कॉल आती है, 3 कॉल आपको ऑलरेडी सक्सेसफुल करा दी गई थी। लेकिन फ्री जाते जाते मैंने आप इन कॉल के अलावा जाते जाते इंडिया बुल्स हाउसिंग का कॉल भी आपके सामने रखा था, जो कि मैंने लिखा था फ्री को एक्स्ट्रा कॉल, यानी कि बाई दोस्तों कहने के बाद में मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग का चार्ट देखा तो आपको बताया कि 105.55 के अबोव इसको लेना है और मात्र सिर्फ 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 110 का टारगेट रखना है। तो जी हाँ दोस्तों, 110.10 का इसने हाई लगाया, सेकंड टारगेट भी यहाँ भी कंप्लीट, यहाँ भी गजब का वेरी बिग प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। दोस्तों तैयार हो जाइए, इसी देखो यहाँ पे जो अमेजिंग कॉल दी जाती है, मात्र 10 पैसे का स्टॉप लॉस, 5 रुपये का टारगेट, 105.55 के बो दिया था आपको और 105.45 का स्टॉप लॉस रखा था और वो 10 पैसे का स्टॉप लॉस इसने हिट नहीं किया और सेकंड टारगेट 5 रुपये का टारगेट पहले इसने दिखाया। तो ऐसे अमेजिंग प्रॉफिट दोस्तों आपको मिलते हैं यहाँ पे फ्री में एसएस मार्केट न्यूज़ पे, ओनली फ्री में, पूरे मंथ फ्री में, मात्र 1 दिन की गाइडेंस फॉलो करनी होती है, जिसमें दोस्तों आपको एक दिन में भी बिग डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है 50% का। आप 1 दिन का ब्रोकर चार्ज देते हैं अपने ब्रोकर को, उसमें 1 दिन का गाइडेंस फॉलो करनी होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसमें भी आपको भारी बिग डिस्काउंट 50% दिया जा रहा है और आपको पूरे मंथ फिर फ्री सेवा, पूरे मंथ दोस्तों फिर फ्री सेवा ऐसे मार्केट न्यूज़ में मिलती है और देखे ऐसे अमेजिंग कॉल आपको यहाँ पे दी जाती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको चार्ट बता देता हूँ, ये काफ़ी दिनों से मैं चार्ट नहीं बता रहा था क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों, चार्ट आपके समझ में नहीं आता तो आपको गुमराह करने से कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप वो चार्ट में बता देता हूँ उसके बाद वो पैटर्न ढूंढने लग जाते हो, समझते नहीं हो कि ऐसा अपने पैटर्न ढूंढे, सबने बताया था ऐसा पैटर्न अपन ढूंढ लेते हैं, अपन भी सीखिए ऐसे पैटर्न ढूंढ के अपन भी काम कर लेंगे, लेकिन वो दोस्तों बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है और वो आपको लॉस का बैठते हैं, क्योंकि वो पैटर्न के साथ दोस्तों उस समय अभी वर्तमान की कंडीशन ये है कि पिछले सारे पैटर्न के साथ ये पैटर्न जो बना है वो बिल्कुल मैच खा रहा है, लेकिन अब आगे भविष्य में जो पैटर्न बनेगा उस तक पिछले पैटर्न के साथ वो मैच खा रहा है नहीं खा रहा है, वो सारे देखना पड़ता है, उसमें उस कंडीशन में आप लॉस का बैठते हैं। अगर ऐसे पैटर्न दोस्तों बार बार काम करने लगे तो सभी पैटर्न रख के बैठ जाए आराम से, जब भी पैटर्न बने आराम से पैसे कमा ले, किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे पैटर्न के साथ साथ दोस्तों कैंडल्स के पैटर्न, वॉल्यूम वगैरह, मूविंग एवरेज वगैरह, यहाँ पे एमएसईडी आरएसआई वगैरह और चार्ट का भी सारा देखा जाता है और वो इसका टाइम फ्रेम देखा जाता है, कौन से टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, सारे देखा जाता है, ज्यादा फिर एवरेज निकलता है 90% के ऊपर सभी का, तब जाके दोस्तों कॉल दी जाती है। तो ले दोस्तों आपको मैं यहाँ पे लेवल दिखा देता हूँ आपको, और आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा समझाऊंगा, ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं। देखो दोस्तों आपको मैं बताऊं, यहाँ पे ये जैसे ही 110 रुपये, ध्यान देंगे 110 रुपये को ब्रेक करेगा तो अपन इसको मोटो मोटो में कह देता हूँ आपको 110 रुपये और 20 पैसे, ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं दोस्तों, इसमें एक गोली की रफ्तार की तरह, रॉकेट की रफ्तार की तरह इसमें बूम बाहर आने वाली है और बहुत स्पीड से भागने वाला है। इस प्रकार इसने ये यू पैटर्न, जो डब्ल्यू का पैटर्न ये बनाया है, ये देख सकते हैं डब्ल्यू का पैटर्न बनाया है, तो ये यहाँ पे कहना कि डब्ल्यू का पैटर्न में इसने जो डबल बार रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया दोस्तों, वो लिया है 110 पे, इसने रेजिस्टेंस लिया है, आज भी 110.10 का इसने हाई लगाया है, तो अपन 110.20 की बात कर रहा हूँ, ओनली सिर्फ 5 पैसे ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 10 पैसे 20 पैसे ऊपर की बात कर रहा हूँ, 110.20 का जैसे ब्रेकआउट होगा, इसने जो डब्ल्यू का जो आकार जो घेरा यहाँ पे, तो लगभग इसने जो आकार घेरा दोस्तों 20 पॉइंट का इसने आकार ये घेरा है, तो सीधे ही दोस्तों बहुत ही, यानी कि एक ही कैंडल के अंदर, यानी कि कहना कि एक कैंडल जो बनती है ना, सिर्फ एक ही जो कैंडल बनेगी 10 मिनट की 15 मिनट की, वो कैंडल एक ही कैंडल में ही आपको 120 के टारगेट दिखाएगा, सिर्फ एक ही कैंडल में, यानी कि मात्र 10-15 मिनट के अंदर ही आपको ये 120 के टारगेट दिखाने वाला है, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों 120 के बाद में इसका 120 के ब्रेकआउट के बाद में जो टारगेट दिखाई दे रहा है मुझे, वो 140 का टारगेट दिखाई दे रहा है,
120 के बाद में सीधा भागने के लिए तैयार होगा 140 के टारगेट के लिए। और 140 के टारगेट के बाद में अगर मैं दोस्तों इसकी मैं बात करूँ 140 के बाद में, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों 170, ठीक है, 170 के ऊपर नहीं गया था, 170 से बिल्कुल टूट गया था, 170 175 इसी रेंज में दोस्तों यहाँ पर आके रुकेगा, 170 175 के टारगेट दिखाने के लिए तैयार है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग के दोस्तों रफ्तार आपको पता ही है दोस्तों, ये भी दोस्तों जब भागता है तो यस बैंक की तरह ही भागता है और एक ही दिन में 40-40 50-50 रुपये का उछाल दिखाता नजर आता है। तो इसकी रेंज आपको पता 100 रुपये को ट्रेड कर रहा है, 14 रुपये भागा है ये, तो कल अभी जैसे खुलेगा तो उसकी रेंज 14 से आगे जो 15-20 रुपये खुलेगी, और जैसे 150 के पास जाएगा तो इसकी 50-50 रुपये की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि डब्ल्यू का पैटर्न यहाँ पे बना लिया है, तो ये अभी की कंडीशन है, बाद में आप ऐसे पैटर्न ढूंढने लग जाते हो, लेकिन पीछे की सारी कंडीशन जो मैंने देखी है, इसकी जो रेंज भी देखी है, तो किस प्रकार रेंज में काम कर रहा है, पीछे के सारे जो इसका चार्ट है वो किस प्रकार काम कर रहा है, इसके जो सारे पैटर्न बहुत सारे पैटर्न मैंने टाइम फ्रेम पे इसको बदल बदल के देखा है, टाइम फ्रेम पे इसको मैंने 15 मिनट पर देखा है, टाइम फ्रेम पे इसको मैंने 30 मिनट पर देखा है, उसके पश्चात दोस्तों पूरे एनालिसिस करने के पश्चात मैंने देखा कि 110 का जो लेवल ब्रेक होगा, ये देख सकते हैं सारे टाइम फ्रेम में दोस्तों घूम फिर के देख सकते हैं, बार बार में 110 पर जाके ये टकरा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 110.20 का अगर ब्रेकआउट करता है ये, तो बहुत ही स्पीड से आपको 120 के टारगेट दिखाएगा, उसके पश्चात इसका टारगेट 140 का होगा, उसके पश्चात 170.75 और 175 का टारगेट होगा, ये होगा पोजिशनली टारगेट, समझ रहे हो, पोजिशनली टारगेट यानी कि आने वाले एक या दो दिनों के टारगेट ये देखने को मिल सकते हैं, सप्ताह के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंट्राडे की बात करता हूँ, इंट्राडे की कंडीशन में भी दोस्तों आपको मैं बता दूँ, इंट्राडे की कंडीशन, वन मिनट थोड़ा सा वेट करिए, इंट्राडे की कंडीशन भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़े से बने रहिए आप। थोड़ा सा बने रहिए दोस्तों, इंट्राडे में दोस्तों बिल्कुल ये एक सौ वन मिनट हाँ 106.50 के लेवल को अगर ब्रेक करता है इंट्राडे के अंदर, ठीक है, अभी 106.30 पे 106.50 के लेवल को ब्रेक करता है इंट्राडे के अंदर, तो आपको 110 रुपये का टारगेट, 110 रुपये का टारगेट लेना है, फिर आपको 110.20 का ब्रेकआउट का बात करना है, उसके पश्चात 120 का टारगेट देखने को मिलने वाला है, वापस फिर वो रेंज आ जाएगी 120-140-150 की, तो इंट्राडे के दोस्तों इसकी जो कॉल होगी 106.50 को ब्रेक करता है, ये 110 का टारगेट, 120 का टारगेट, और इंट्राडे में 130-140 के भी टारगेट दिखा सकता है। पोजिशनली आपको मैंने इसकी सारी कहानी आपको बता दी है, नीचे के लिए दोस्तों जब तक ये 90 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तो नीचे जाने का नाम नहीं लेगा, तो नीचे के लिए अभी यहाँ पे कोई कॉल नहीं, क्योंकि ये अपसाइड में यहाँ पे लेवल ब्रेक करने के लिए नजदीक है, तो अपसाइड के लिए वेट करिए, नीचे के लेवल जब आएगा तो नीचे 90 के नीचे की कॉल क्लोजिंग देगा, तब इसमें दोस्तों वीडियो बना के बता दिया जाएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान देंगे दोस्तों, कल इसमें बंपर बाहर आने वाली है, इसी दोस्तों इसमें मैं कॉल भी दे सकता हूं, आज जैसे 10 पैसे की कॉल दी थी, मात्र 10 पैसे स्टॉप लॉस के साथ और 5 रुपये का टारगेट दिलाया, तो कल इसमें बाहर आने वाले दोस्तों इसमें फोकस रहेगा, तो इसी अब इसकी कॉल पकड़ में आएगी दोस्तों, आपको मैं इसकी डेफिनेटली कॉल दूंगा, इसमें दोस्तों आपको विद प्रॉफिटेबल कॉल के साथ इसमें पैसा बना सकते हैं, तो मात्र छोटी सी गाइडलाइन फॉलो करनी दोस्तों आपको, और पूरे मन दोस्तों आपको फ्री सेवा दी जाएगी। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।